व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग और शानदार वैसे तो रहने वाला है ये, पर लेकिन आप लोग इसको और भी इंटरेस्टिंग और शानदार बना सकते हैं बस छोटा सा काम कर। जैसे ही आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद में आगे बढ़िए। अगर क्वेश्चन आप लोग सही अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गलत अटेम्प्ट करते हैं तो उससे भी अच्छी बात है। रीजन क्या अच्छी बात बोलने का गलत अटेम्प्ट करने पर, वो ये रीजन है क्योंकि आप लोग यहीं पर ही उसको एक बार गलत कर लेंगे, फिर एग्जाम में आप लोग उसको सही कर कराएंगे, एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे टारगेट क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाए, वही हम सबका टारगेट होता है। तो इस तरीके से यहां पर ये प्रैक्टिस आप लोगों की चलने वाली है। और इसी के साथ में, अगर वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को लगता है कि इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पीडीएफ को रख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात करा है अमेंडमेंट जो प्रोसीजर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में। क्वेश्चन आप लोगों से क्यों पूछा जा सकता है, हमारी कंट्री में कई सारे अमेंडमेंट लाए जाते हैं तो उसके चलते कई बार ये प्रोसीजर न्यूज में रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर आंसर बताता हूं। बात की जा रही है जो अमेंडिंग प्रोसीजर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि ऑल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये इनिशिएट किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि प्राइवेट जो मेंबर रहता है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकता है जो अमेंडमेंट बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नॉर टू। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। तो यहां पर किस तरीके से करेक्ट है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है इसके बारे में, तो यहां पर हमारे संविधान में प्रोविजन रखा कहां पर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, तो आर्टिकल 368 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये हमारे संविधान में पावर देता है कि संविधान को अमेंड किया जा सकता है। इसी के बेस पर हमारे संविधान को एक लाइव डॉक्यूमेंट बोला जाता है, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि जैसा संविधान हमारा बनाया गया था उसी टाइम से आज तक हमारा संविधान चला हुआ है। 100 से भी ज्यादा हम लोग आज की डेट में अमेंडमेंट कर चुके हैं, जैसा जैसा हम लोग को टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात बोली गई कि पार्लियामेंट में ही यहां पर अमेंडमेंट ओनली स्टार्ट किए जा सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब यह आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जो राज्य है यानी कि स्टेट है उसमें भी अमेंडमेंट स्टार्ट कर दे, नहीं, वहां पर स्टार्ट नहीं होगा। यह पावर सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके पास, जो हमारी पार्लियामेंट है एक तरीके से, जिसके बेस पर सेंट्रल जो पार्लियामेंट हमारी बनाई जाती है, जो गवर्नमेंट पावर में रहती है, तो उनके हाथ में पावर होती है, ना कि राज्य गवर्नमेंट के हाथ में ये ऐसी पावर होती है। प्राइवेट मेंबर कौन रहता है, अदर देन मिनिस्टर, यानी कि अगर मिनिस्टर किसी इंट्रोड्यूस को बिल को इंट्रोड्यूस करे तो वो रहता है पब्लिक बिल, ठीक है। पर लेकिन अगर अदर देन मिनिस्टर किसी भी पर्टिकुलर एरिया की बात कर लीजिए, मान लीजिए होम मिनिस्टर को कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है, होम मिनिस्टर की जगह कोई और उसको इंट्रोड्यूस कर दे पार्लियामेंट में, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल होगा। तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या कोई यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल अमेंडमेंट वाला जो बिल है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल इंट्रोड्यूस कर सकता है, पर लेकिन पास होगा या नहीं होगा ये पार्लियामेंट में जिसकी मेजोरिटी है वो डिसाइड करेगी। तो इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पर ये इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहां पर भी दो तरीके से आप लोगों से चीजें पूछी जा सकती हैं कि कहां, जिस तरीके से, किस तरीके से जो स्पेशल मेजोरिटी आप लोगों ने देखा होगा यहां पर इंट्रोड्यूस करने के लिए अमेंडमेंट बिल की, जब हम लोग बात करते हैं तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए यहां पर उसको पास कराने के लिए। तो स्पेशल मेजोरिटी जो यहां पर चाहिए पास कराने के लिए, एक तो ये वाली कैटेगरी होती है, दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को स्टेट लेजिस्लेचर लगभग आधे से ज्यादा, यानी कि अगर हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 28 स्टेट हैं तो कम से कम यहां पर 15 राज्य उसको पास कर दें, तो इसके बेस पर भी यहां पर ये दो तरीके से अमेंडमेंट होता है। यहां पर नॉर्मली आप लोग देखते हैं जैसे जीएसटी की बात कर लीजिए, ठीक है, तो जो राज्य के ऊपर भी इंपैक्ट डालने वाले बिल होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये वाली कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन में से आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन अकेले से ही बन सकते हैं, तो आंसर सी हो गया। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अभी हमारी कंट्री में टीएन सेशन, जो कि हमारी कंट्री के 10th इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहे हैं, उनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बैकग्राउंड में जाकर पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से एरिया के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों के सामने स्टेटमेंट है, आप लोग इसको देख लीजिए, फिर थोड़ा सा टीएन सेशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहां पर जो बात की जा रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस एरिया के इलेक्शन कंडक्ट कराता है, म्यूनसिपैलिटी के, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 2 एंड 3, बी में बोला गया 2, 3 एंड 4 ओनली, सी में बोला गया 1 ओनली और डी में बोला गया नन। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है कि सही आंसर एग्जैक्टली क्या है। सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट सही है, 2, 3 एंड 4,
यानी कि म्यूनसिपैलिटी के जो इलेक्शन है वो कौन कंडक्ट कराता है, वो होते हैं राज्य यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के हैंड में, बाकी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा के जो यहाँ पर इलेक्शन है हमारी कंट्री में, और इसी के साथ में प्लस आप लोग ऐड कर लीजिए जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, वो है आर्टिकल 324। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 324 यहां पर पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ताकि इम्पार्शियल ऐसे इलेक्शन हमारी कंट्री में कराया जा सके जो कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। आइए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहां पर टीएन सेशन साहब के बारे में। रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई है, इनका जो जन्म हुआ था 1932 में और 10 नवंबर 2019 में इनकी डेथ हुई है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ये ऑफिसर थे जो कि जिनके द्वारा काफ़ी शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी गई जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे। 18th कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे हैं और 10th इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहे हैं। इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा है ये 1990 से लेकर 1996 तक एज ए इलेक्शन कमीशन रहे हैं और रमन मैग्सेसे अवार्ड से इनको नवाजा गया है। नॉर्मली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब इंप्लीमेंट जाता है तो एक तो होता है कि हाँ नामचारे के लिए इंप्लीमेंट कर दिया और एक होता है प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना। ये बिल्कुल ऐसे ही है, एक तो होता है टाइम टेबल नामचारे के लिए फॉलो करना, एक होता है प्रॉपर वे में टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहां पर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर इन्हीं के द्वारा यहां पर उतारा गया था जो कि प्रॉपर वे में फॉलो किया गया। तो इसलिए हो सकता है कि बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आंसर यहां पर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोग इसको हिस्ट्री के साथ में भी क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकते हैं, पॉलिटी के साथ में भी क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकते हैं और इसी के साथ में करंट के साथ में भी क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं पर भी आप लोग इसको बोलिए, ये क्वेश्चन हर जगह आप लोगों को, मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उस पोर्शन का क्वेश्चन है। अगर करंट की बात करें तो कहीं पर ऑर्डिनेंस जब निकल कर आता है रिसेंटली न्यूज में रहता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉलिटी में ये वैसे ही हो गया कि आज के डेट में हमारे संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है और इसी के साथ में हिस्ट्री जो है इसके साथ में कनेक्टेड कि स्टार्टिंग में कहां से ये निकल कर आया, कहां पर हमारी कंट्री में जब अंग्रेज थे ये ऑर्डिनेंस यूज क्या करते थे, तो वहां से भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं और फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात की जा रही है ओरिजिन ऑफ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रोवाइड की जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बैक अगर हिस्ट्री जाकर आप लोग देखें तो कहां से निकल कर आती है, तो इसके बारे में बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मोरले मोंटे रिफॉर्म जो है यहां पर ये 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो सही आंसर क्या है यहां पर, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर यह है इसका सी, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके साथ में आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो सेंटर को पावर देता है ऑर्डिनेंस मेकिंग, यानी कि जो अध्यादेश जारी करने की पावर देता है, तो आर्टिकल है 123, सीधा सीधा आर्टिकल है, सीधा सीधा फंडा है, आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ में अगर स्टेट की ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बात करें तो आर्टिकल है 213। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि एक साथ आप लोग याद रख सकते हैं, अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर बात करूं यहां पर 1861 के टाइम पर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया ये पोर्टफोलियो कि इस तरीके से हमारी कंट्री में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में, गवर्नर जनरल जो रहेगी हमारी कंट्री में उसके हाथ में ये पावर दी गई थी और इसी के साथ में वीटो पावर भी थी उनके पास में, ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर थी अगर कोई तरीके की इमरजेंसी यहां पर रहती है तो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, 1857 से पहले हमारी कंट्री में यहां पर आप लोग वर्ड यूज करते हैं गवर्नर जनरल, पर लेकिन 1857 के बाद में जब क्रांति हुई फिर हम लोग इसको वॉइसराय के नाम से जानने लगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को पता ही होगा, ये कुछ बातें हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा और इनडायरेक्ट भी स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो बात की जा रही है, कई बार टर्म आप लोगों की न्यूज में देखने को मिलती है तो इस टर्म के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले बात बोली गई है कि एनेक्स वन कंट्री, ये बात की जा रही है कार्टेजिना प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर ये न्यूज में आई। सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शन की बात की जा रही है तो ये नगोया प्रोटोकॉल के तहत न्यूज में आया। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत न्यूज में आया। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच की जा रही है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3 ओनली, सी में बोला गया 3 ओनली, डी में बोला गया 1, 2, 3 ओनली, वो 1, 2, 3 सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है इसका सी ओनली, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट सही है। अगर बात करें यहाँ पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू यहाँ पर पिक्चर में आया। क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू ही यहां पर जो एनेक्स वन कंट्री है ये देखने को मिलेगा, तो कार्टेजिना गलत है यहां पर, तो क्योटो प्रोटोकॉल ही यहां पर आएगा। अगर बात करें एक बार क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, 11 दिसंबर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो एक सिटी है जापान के अंदर में जहां पर ये साइन किया गया।
लोकेशन क्योटो जापान, साइन किया गया 1997 में, इफेक्टिव होकर जब पिक्चर में आया 2005 में फिर ये इफेक्टिव होकर इंप्लीमेंट किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। आज की डेट में जो सिग्नेटरी है यहाँ पर टोटल मिलाकर 84 है और जो पार्टीज हैं वो 192 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूएन की जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं उसके अंडर में बेसिकली यहाँ पर काम करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसको एक्सटेंड करती हुई नजर आती है कि हाँ हम लोग को ग्रीन हाउस एमिशन जो है उसको कैसे कंट्रोल करके चलना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग टैकल कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इसी से यहाँ पर रिलेटेड हैं। जो यहाँ पर बात की जा रही है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, तो ये क्लीन डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसी से निकल कर आया कि कैसे आप लोगों को यहाँ पर जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है। तो ये बातें यहाँ से देखने को मिली। एनेक्स वन कंट्री जो है यहाँ पर, ये पार्टीज हैं जो इंक्लूड की गई इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट 1992 में मेंबर थे, प्लस कंट्रीज इसके साथ में ऐड की गई जैसे कि रसिया फेडरेशन, बाल्टिक और इसी के साथ में सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्री हैं वो भी इसके साथ में ऐड की गई। बेसिकली ये डेवलप्ड कंट्री आप लोग बोल सकते हैं जिनको एनेक्स वन की कैटेगरी में रखा गया, ताकि ये वो कंट्री हैं जिनके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया गया, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर फोकस दिया गया इसके थ्रू। ठीक है, तो ये इसके बारे में आइडिया रखेगा। आंसर सी हो गया, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है बंजारा के बारे में। तो जो बंजारे हुआ करते थे, आज के में बंजारों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पर जिन्होंने बंजारा टर्म सुनी है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो भारतीय इतिहास के अगर मध्यकाल में आप लोग बात करें तो बंजारा जो आमतौर पर किनको बोला जाता था, एग्रीकल्चर यानी कि खेती करने वाले थे, एग्रीकल्चरिस्ट, वॉरियर यानी कि योद्धा थे, वेवर यानी कि बुनकर थे, या फिर ट्रेडर यानी कि व्यापारी थे। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर यह है इसका डी, यानी के ट्रेडर। ये मेडिवल पीरियड में जो हुआ करते थे ये ट्रेडर हुआ करते थे जो कि यहाँ पर पर्टिकुलर एक एरिया से दूसरे एरिया में घूमते रहते थे अपने सामान को बेचने के लिए। इसी के साथ में ये आप लोगों से क्वेश्चन एक तरीके से और भी पूछा जा सकता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट रिफॉर्म आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। मार्केट को जिस तरीके से रिफॉर्म किया गया वहाँ पर इस तरीके की कंडीशन रखी गई, अगर कोई दुकानदार जितना भी कम, मान लीजिए आप लोगों को 1 किलो यहाँ पर कुछ सामान लेना है और उसने 100 ग्राम उसमें कम दे दिया या फिर 50 ग्राम कम दे दिया, तो रूल और रेगुलेशन ऐसे थे कि 50 ग्राम उस इंसान का गोश्त निकाल लिया जाए। तो सोचिए इस तरीके से कोई भी इंसान अगर उससे 1 किलो मांगा गया है तो वो 1 किलो में और 100 ग्राम या फिर 200 ग्राम ज़्यादा डाल के देता था ताकि कोई गड़बड़ न हो जाए। तो ये सिचुएशन देखने को मिलती थी। तो मेनली जो यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ वो बंजारा की वजह से यहाँ पर जो सिस्टम था वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया जो मार्केट रिफॉर्म में अलाउद्दीन खिलजी के ड्यूरेशन में। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी थी ड्यूरेशन में, पुराने टाइम में, मिडिवल टाइम में, जो कि यहाँ पर ये रोल प्ले कर रही थी। तो आंसर डी हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बुद्धिज्म के बारे में बात की जा रही है। अगर बुद्धिज्म की ट्रेडिशन के हिसाब से माने तो यहाँ पर बात की जा रही है महासमता क्या थी। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। फर्स्ट मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड, बात की जा रही है कैरेक्टर ऑफ द गौतम बुद्धा प्रीवियस लाइफ। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर कॉम्पनसिनिएट बोधिसत्व जो रिनाउंस करते थे अपनी लाइफ संघ के लिए। नेक्स्ट बात की जा रही है प्रिस्ट जो कि यहाँ पर बुद्धित रेलिक जो कि अवशेष रहते हैं उसके ऊपर बेसिकली वो नहीं था कि अवशेष के ऊपर अभिषेक करना। ठीक है, तो ये आप लोग बोल सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर फर्स्ट यानी कि ए। बात करें अगर लिटरेचर के बारे में बुद्धिज्म की, तो वहाँ पर आप लोगों को महासमता का जो जिक्र है वो नजर आएगा। फर्स्ट मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर इनको बोला गया है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग जो की गई, फर्स्ट ऑफ 11 वर्ल्ड जो मोनार्क है नेम महासमता, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 11 जो डायनेस्टी थी वहाँ पर, तो उसमें से जो निकल कर आए ड्यूरिंग बुद्धिज्म के ड्यूरेशन में, तो वहाँ पर ये इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछे तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। आंसर ए हो गया। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है ईस्ट एशिया समिट के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ईस्ट एशिया समिट जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी 2005 में। इंडिया नॉट ए फाउंडिंग मेंबर एंड वाज ए लेटर एडमिट, यानी कि स्टार्टिंग में इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं था पर बाद में उसके द्वारा उसको एडमिशन कर लिया गया, ज्वाइन कर लिया गया। कॉन्सेप्ट जो था यहाँ पर ईस्ट एशिया ग्रुपिंग का, वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया 1991 में मलेशियन जो प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पर, जिनका नाम था मताहिर बिन मोहम्मद, तो इनके द्वारा यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया 23, सी में बोला गया 2 एंड डी में बोला गया 1 एंड 3। कौन सा आंसर सही है, सही आंसर यहाँ पर इसका डी, यानी कि
वन एंड थ्री स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। सेकंड रीजन क्या है? रीजन ये है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रपोज किया गया इंडो पैसिफिक क्वेश्चन इनिशिएटिव ड्यूरिंग एड्रेस 14th ईस्ट एशिया समिट, कौन सा जो था ईस्ट एशिया समिट का फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ये सही है। फर्स्ट समिट जो थी कुआलालंपुर में हुई थी और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ईस्ट एशिया समिट का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका डी। तो ये था आज का हमारा नन्नसा मुन्नसा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और देखिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, गला खराब होने की वजह से सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। कल से आप लोगों को टाइम पर आप लोगों को लेक्चर मिलेगा मॉर्निंग में, आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। और उसी के साथ में इवनिंग में आप लोगों को नैनो मैगजीन मिलेगा। तो पैटर्न हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा, वही मैं आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। आई होप कि शाम तक और आराम लग जाए और थोड़ा सा अच्छे से एंजॉय करते हैं अपने डिस्कशन को, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।